या आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप टर्म देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो इस चैप्टर में हमें पहले तो ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसका हमारे इंडियन इकोनॉमी के साथ कैसे रिलेशन है, क्या क्या इफेक्ट्स, क्या क्या इम्पैक्ट्स है इंडियन इकोनॉमी में। सो ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाने जाते थे, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी पॉलिसीज का ही पार्ट है ग्लोबलाइजेशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 91 से पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो लिमिटेड फ्रेमवर्क में काम करती थी। लिमिटेड फ्रेमवर्क का मतलब ये था कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, जितना भी प्रोडक्शन होता था वो लिमिटेड कंट्री के अंदर ही होता था, यानी कि बाहर दूसरे कंट्रीज के साथ लेन देन नहीं होता था, और जो होता था तो बहुत लिमिटेड होता था, उसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो इन चीजों को दूर किया गया था 91 में। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह और फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनके मोंटेक सिंह आलूवालिया, उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे जिसका पार्ट है ग्लोबलाइजेशन। डिटेल्ड में ग्लोबलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसका एक मेन पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करें तो एक बेसिक सेंस आपको पता होनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन की क्या है। सो ग्लोबलाइजेशन बेसिक सेंस में मतलब ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को एक मार्केट में कन्वर्ट कर देना, यानी कि हम बात करते हैं यूएसए की इकोनॉमी अलग है, इंडिया की इकोनॉमी अलग है। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड एक जगह के तौर पे काम करे, एक नेशन के तौर पे काम करे, यानी जितने भी गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। किसी भी कंट्री के साथ अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई भी देश का व्यक्ति किसी भी देश में जाके प्रोडक्शन कर सकता है, किसी भी देश में जाके सेल्स कर सकता है। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके एक वर्ल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दे। अब हिस्ट्री आपको बताई गई है यहाँ पे कि अगर हम पहले के टाइम की बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले, यानी कि 91 से पहले, सो हमारी कंट्री में जो मार्केट्स थे उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट देखने को मिलते थे। जैसा कि अगर कार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर और फिएट, दो ही गाड़ियां थी उस टाइम पे हमारी कंट्री में। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कितनी सारी गाड़ियां, कई गाड़ियां तो ऐसी जिनका हमें नाम भी नहीं पता। अगर हम टेलीविजन की बात करें तो पहले ओनिडा, बीपीएल, बस यही दो कंपनियां थी, आजकल तो दुनिया भर की कंपनियां आ गई है। तो ये जो चेंजेस आए हैं समय के साथ हमारी मार्केट में, ये किसके कारण आए, हमें यही स्टडी करना है इस चैप्टर में, और इन चेंजेस का क्या क्या इफेक्ट हुआ है ये स्टडी करना है। सो फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये जो चेंजेस की बात हमने की है, ये चेंजेस पॉसिबल हुए हैं एमएनसीज के द्वारा, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। अब एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि एमएनसीज होती क्या है। सो अ एमएनसी इज अ कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी कि एमएनसीज वो कंपनीज होती हैं जो कि अपनी कंपनी एक से ज्यादा देशों में कंट्रोल करती हैं, सेटअप करती है, बेसिकली प्रोडक्शन का काम एक से ज्यादा देशों में करते हैं। जैसे कि एक वॉलमार्ट कंपनी है, आपने बिग बाजार सुना होगा, इजी डे सुना होगा, ऐसी एक वॉलमार्ट है यूएसए की कंपनी। अब वो है तो यूएसए की, लेकिन यूएसए में भी काम करती है, इंडिया में भी वॉलमार्ट से, पाकिस्तान में भी है, बाकी कंट्रीज में, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, मतलब कि एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग देशों में काम कर रही है। सो ये क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अभी जब लिबरलाइज्ड हुआ है, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ उसके बाद ही शुरू हुआ, उससे पहले दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता था वो लिमिटेड ट्रेड होता था, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी, और गुड्स भी कैसे, या तो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स।
जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था आजादी से पहले, सो इंडिया मेनली दो ही काम करता था दूसरे देशों के साथ, ब्रिटेन को यानी कि इंग्लैंड को रॉ मटेरियल देता था, और इंग्लैंड में जो रॉ मटेरियल से गुड्स तैयार होते थे फाइनल गुड्स उन्हें इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। सो इंडिया के दो काम क्या थे, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स। बेसिकली ट्रेड जो था वो एक लिमिटेड था दो कंट्रीज के बीच में, लेकिन ये सिनेरियो चेंज हुआ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ध्यान रखने की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का काम ये नहीं है कि गुड्स को सेल कर रही है दूसरे देशों में, इसका काम है कि दूसरे देशों में जाके प्रोडक्शन भी करती है। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, वर्ल्ड मार्केट ओपन हो गई है। वर्ल्ड मार्केट ओपन होने का मतलब ये है कि कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ता है। अगर पहले कोई प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा था तो उसके पास जो कॉम्पिटिटर्स थे वो सिर्फ इंडिया के थे, अब क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो गई है अब कॉम्पिटिटर यूएसए से भी है, कॉम्पिटिटर इंग्लैंड से भी है, कॉम्पिटिटर यूरोप से भी, यानी कि हर कंट्री से कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। और कॉम्पिटिशन जीतने के लिए दो ही काम करने पड़ते हैं, या तो अपना प्रोडक्ट बेटर करो या प्राइस कम किया जाए। सो एमएनसीज वही सर्वाइव कर पाती है या वही सक्सेसफुल होती है जिनके पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हो। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को कम प्राइस पे तैयार किया जाए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्वालिटी वैसी हो लेकिन गुड्स की कीमत कम तैयार हो ताकि कॉम्पिटिटर से सस्ते रेट पे सामान बेचा जाए। अब अगर हम एज ए कंज्यूमर बात करें तो हम कोई भी गुड्स कब खरीदेंगे, जब हमें अच्छी क्वालिटी का सामान कम रेट पे मिलेगा। सो एमएनसीज यही कोशिश करती है कि हम अपने कंपिटिटर से कम प्राइस पे सामान को बेचें। अब कोई भी प्रोडक्ट कम प्राइस पे कब बनेगा, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कब मिलेगी, जब उसको सामान को तैयार करने की जो लागत है जो कॉस्ट है वो कम लगेगी। सो बेसिकली एमएनसीज इसी चीज का फायदा उठाती है। एमएनसीज क्या करती है कि जो प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बाइफरकेट कर देती है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है फिर देखती है कि किस काम के लिए कौन सी कंट्री सूटेबल है, उस काम को वहीं पे किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की, कि कोई एक लार्ज एमएनसी है उसका काम है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तैयार करने का, यानी इंडस्ट्रीज की मशीनरी वगैरह तैयार करने की। तो वो क्या करते हैं, रिसर्च सेंटर तो यूएसए में ओपन करते हैं क्योंकि यूएसए की रिसर्च टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो कंपोनेंट्स उस सामान को तैयार करने में लगेंगे वो जाके चाइना में मैन्युफैक्चर करते हैं क्योंकि चाइना में चीजें बहुत सस्ती मिलती है आपको पता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई उसे मैक्सिको या ईस्टर्न यूरोप में बेचा जाता है क्योंकि वहां से वर्ल्ड मार्केट बहुत नजदीक पड़ती है, यानी कि मैक्सिको ईस्टर्न यूरोप ऐसे हैं जहां से किसी भी कंट्री के साथ लिंक किया जा सकता है। सो वहां पे असेंबलिंग होती है और वहीं से फिनिश गुड्स पूरे वर्ल्ड में बेचे जाते हैं क्योंकि वहां से गुड्स एक्सपोर्ट करने आसान है। अच्छा, फिर जो कस्टमर केयर की सर्विस है जिसे हम बीपीओ के नाम से जानते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, वो कॉल सेंटर सारे के सारे इंडिया में लोकेट करते हैं। इंडिया कॉल सेंटर्स में नंबर वन पे है, ये मैंने आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाले चैप्टर में भी बताया था, इंडिया कॉल सेक्टर सर्विस में नंबर वन पे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, काम को चार हिस्सों में बांट दिया, पहला हिस्सा रिसर्च करने का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का, तीसरा असेंबलिंग और प्रोडक्ट को बेचने का, और चौथा बाद में जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है वो। और ये देखा कि इन चारों हिस्सों को या चारों काम को कौन से देश में कम कॉस्ट पे और बेटर तरीके से किया जा सकता है। अब हर कंट्री की अपनी अपनी अलग स्पेशलिटी होती है, जैसे चाइना में जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते मिलते हैं तो चाइना में जाके इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स की, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहे हैं। रिसर्च यूएसए में सस्ते थे तो यूएसए में रिसर्च की गई। बीपीओ कॉल सेंटर्स इंडिया में सस्ते हैं तो इंडिया में कॉल सेंटर्स कर दिए गए। अब इससे क्या हुआ, एक तो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार हुआ क्योंकि जो कंट्री जिस काम में स्पेशलाइज है उसने वही काम किया, दूसरी चीज कम रेट पे सामान तैयार हुआ है कम प्राइस पे। सो एमएनसीज ऐसे प्रोडक्शन करती है। तो ध्यान रखने की बात ये, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या एमएनसीज सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, नहीं, एमएनसीज सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती, एमएनसीज प्रोडक्शन को भी दूसरे देशों में जाके करती है।
जो कि पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था, अब ये पॉसिबल हो पाया। देखो ये यही पे बात बताई गई है, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, एमएनसीज गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लोबली, और जितने ये जो ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको बाइफर्केट कर देती है, डिवाइड कर देती है छोटे छोटे पार्टों में और दूसरे कंट्रीज में उसको फैला देती है। ठीक है, इससे उन्हें फायदा क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होती है, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिलती है, जिसके कारण वो गुड्स को आसानी से बेच सकते हैं। So, ये था हमारा टॉपिक कि कैसे एमएनसीज काम करती है और एमएनसीज ने कैसे चेंजेस लेके आए हमारी इकोनॉमी में। अगला टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब ग्लोबलाइजेशन में हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी एक वर्ल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होगी, यानी एक इकोनॉमी है, लेकिन हर देश में अलग अलग काम होते हैं। भाई इंडिया में कोई प्रोड्यूसर है, यूएसए में कोई प्रोड्यूसर है, तो कुछ चेंजेस ऐसे भी आ गए हैं जिसके कारण अलग अलग देशों की प्रोडक्शन को इंटरलिंक किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। वो कैसे जोड़ा जाता है, वो काम जोड़ने का काम करती है एमएनसीज। एमएनसीज कैसे करती है जोड़ने का काम, उसके चार तरीके। उससे पहले दो टर्म्स देखें आप, इन्वेस्टमेंट, वन मार्क्स क्वेश्चन में पूछा सकता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सो एसेट्स खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च किया है वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो बिजनेस लंबे समय तक यूज करता है, जिसकी ओनरशिप बिजनेस के पास होती है यानी मालिकाना हक, और जिसको अगर वो बेचना चाहे तो बेच के कैश भी ले सकता है। जैसे कि बिल्डिंग्स है, मशीन्स है, अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैंने मशीन खरीद ली तो उसकी ओनरशिप मेरे पास है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज करूंगा, और मान लो कि मैं उसको बेचना चाहूं तो बेच के उससे पैसे भी ले सकता हूं। सो ये होता है इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी दूसरे देश से अगर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे एमएनसी क्योंकि दूसरे देश की होती है, हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है एमएनसी के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इस कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एमएनसी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दो टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, पहली एफडीआई, एफडीआई फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये इसका दूसरा नाम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है, एफडीआई एंड एफआईआई। एफडीआई का तो मतलब ये होता है कि दूसरी कंपनी की ओनरशिप भी होगी और कंट्रोल भी होगी। इसका मतलब जब दूसरे देश की कोई कंपनी हमारे देश में आके कंपनी भी सेटअप करेगी और उसको रन भी करेगी। जैसे मैंने वॉलमार्ट की एग्जांपल दी, अब वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी है, उन्होंने आके इंडिया में पूरी की पूरी एक कंपनी सेटअप की, और उस कंपनी को चला भी कौन रहे हैं, वॉलमार्ट वाले यूएसए में बैठ के चला रहे हैं। So, उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं और उसकी ओनरशिप भी होगी। एफआईआई का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप होना, कंट्रोल एमएनसी के हाथ में नहीं होता है। बेसिकली एफआईआई का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना। आप लोग नाम सुनते हैं शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स खरीदने से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, उसने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, 10% शेयर खरीद लिए। 10% शेयर खरीदने का मतलब यह है कि रिलायंस कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% जिसने शेयर खरीदा है उसे मिलेगा। सो वो मालिक तो हो गया एक किस्म से, क्योंकि उसे उसका प्रॉफिट मिल रहा है। बट जब जितने भी डिसीजन है रिलायंस कंपनी के, वो अब भी अंबानी, जो मुकेश अंबानी है, वही लेंगे, ना कि जिसने शेयर्स खरीदे। तो शेयर्स खरीदने से ओनरशिप तो होती है लेकिन कंट्रोल नहीं आता। तो ये एग्जांपल है आपकी एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो दो टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई एंड एफआईआई। अब एमएनसी दूसरे देश में कैसे काम कर सकते हैं, चार तरीके होते हैं दूसरे देशों में काम करने के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच एमएनसी ऑपरेट। चार तरीके से दूसरे देश में काम कर सकती है। पहला तरीका होता है एफडीआई के द्वारा, पहला तरीका है एफडीआई के द्वारा, यानी कि एमएनसी ये काम कर सकती है
कि वो अपनी फैक्ट्री ऑफिसेस दूसरे देश में जाके सेटअप कर दे और पूरा का पूरा काम कंट्रोल करे, यानी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट खुद कर दे। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई लोकल कंपनी है तो उसके साथ मिलके काम करे, कोई लोकल कंपनी के साथ मिलके काम करे। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया की कंपनी थी, सुजुकी जापान की कंपनी थी, तो दोनों मिलके काम करते थे मारुति सुजुकी के तौर पे। हीरो होंडा, हीरो इंडिया की कंपनी थी, होंडा फिर आपकी जापान की कंपनी थी, दोनों मिलके हीरो होंडा के तौर पे काम करते थे। हालांकि अब तो हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। सो पहला तो क्या था कि पूरी की पूरी खुद ही आके इन्वेस्टमेंट करे, जैसे वॉलमार्ट है, किसी के साथ नहीं मिली हुई, खुद सारा काम कर लिया। दूसरा FDI का फुल फॉर्म बताता हूं मैं, एक सेकंड, नेहा ने डाउट पूछी है। FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। F स्टैंड्स फॉर फॉरेन, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यह इसका दूसरा नाम होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बस आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बता रहा था। FDI को आप माइंड में रखें। चलिए, तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करना। अब उसका क्या फायदा होता है भाई लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करने के? बहुत से फायदे होते हैं। एक तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे की जरूरत है, वो बढ़ जाती है दोनों में। मान लो कोई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, अब किसी एक कंपनी के पास हो सकता है उतना बड़ा अमाउंट ना हो, तो दो कंपनी मिलकर काम शुरू कर सकती है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है। अब जैसे इंडिया में मारुति जो काम कर रही थी, काम ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो होंडा के पास थी, सॉरी जो सुजुकी के पास थी। तो जब मारुति सुजुकी मर्ज होके काम करने लग गई, तो सुजुकी की जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी उसका फायदा मारुति को मिला। तीसरी चीज, लोकल मार्केट की नॉलेज का फायदा मिलता है। अब सुजुकी जब इंडिया में आई तो थी तो वो जापान की कंपनी, उसे नहीं पता था इंडिया में कैसी चीजें चलती है कैसी नहीं चलती, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिली? वो सारी इंफॉर्मेशन उसे मिली मारुति कंपनी से। तो ये तीन फायदे मिलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम लगती है, बढ़ जाती है दोनों में, टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है, और तीसरा जो डोमेस्टिक नॉलेज है, लोकल नॉलेज है, वो मिलती है। सो मैं आपको चार रास्ते बता रहा था या चार तरीके जिस तरीके से MNC ऑपरेट कर सकती है। पहला थ्रू FDI, सेकेंड ज्वाइंट कंपनी के साथ मिलके, थर्ड थर्ड है कि अगर कोई छोटी कंपनी काम कर रही है हमारी कंट्री में मान लो, तो उसको पूरी की पूरी कंपनी को खरीद के और अपने नाम से ही प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, तो वो होता है तीसरा। जैसे कि मान लीजिए भाई कोई छोटी कपड़े की कंपनी है और एडिडास या नाइकी कंपनी आके उसको खरीद ले, पूरी कंपनी को खरीद ले और अपने नाम से ही काम करना शुरू कर दे, तो ये होता है तीसरा तरीका, यानी कि बाइंग आउट लोकल कंपनी। अब मुझे यहाँ पे इसमें बुक में दिख नहीं रहा थर्ड पॉइंट कहाँ लिखा है, आप जब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई छोटे प्रोड्यूसर्स हैं तो उनको परचेज कर लेना। दूसरे पॉइंट में और तीसरे पॉइंट में ये डिफरेंस है कि दूसरे पॉइंट में दोनों कंपनी मिलके काम कर रही है, तीसरे पॉइंट में कोई छोटी कंपनी उसको खरीद लिया, जैसे ही उसको खरीदा तो छोटी कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म होगी और जिसने खरीदा है वो अपने नाम से बिजनेस को चलाएगी। ठीक है, चौथी एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल ये रहा, मुझे ध्यान आ गया, ये रहा, ये है टू बाय अप लोकल कंपनीज, ये है थर्ड पॉइंट, बाय लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। जैसे एग्जाम्पल बताया हुआ है कि इंडिया की एक पारक फूड नाम से छोटी सी कंपनी थी, उसको खरीद लिया कारगिल फूड्स नाम के एक अमेरिकन MNCs ने। अब जो प्रोडक्शन जितना भी कर रही है वो कारगिल फूड्स के नाम से हो रहा है, प्रोडक्शन हो तो रहा है उसी इंडस्ट्री में जिसमें पारक फूड्स करती थी, लेकिन अब क्योंकि कारगिल फूड्स ने खरीद लिया है तो किसके नाम से हो रहा है? कारगिल फूड्स के नाम से हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट ये है, बाइंग अप लोकल कंपनी। चौथा तरीका होता है बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यानी कि क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑर्डर दे देती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज,
और ये जनरली आपके बड़ी कंपनीज में यही होता है। जैसे एडिडास की कंपनी है, उनका मान लो जूते का काम है, तो उन्होंने इंडिया के कोई छोटा छोटे से लोकल प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे दिया कि जी हमें 10,000 जूते बना के दो, और 10,000 जूते खरीद के उनसे उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम चिपका दिया, जैसे एडिडास का लोगो लगा दिया। अब प्रोडक्शन किसने किया है? प्रोडक्शन किया है सारा का सारा जो छोटी इंडस्ट्री थी उसने, लेकिन सामान बिक किसके नाम से रहा है? जो एमएनसी है उसके नाम से। फायदा क्या होता है इससे? फायदा ये होता है क्योंकि एमएनसी की गुडविल होती है, एक रेपुटेशन होती है, तो उसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में बेचना आसान होता है। सो ये चौथा तरीका है। इन चार तरीकों की मदद से प्रोडक्शन क्या किया जाता है, अलग अलग लोकेशंस में जो होता है उनको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फटाफट चार पॉइंट फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, एफडीआई के द्वारा, यानी पूरी की पूरी इंडस्ट्री खुद ही सेटअप कर दे। दूसरा, लोकल कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसके साथ मिलके काम करके मर्जर। तीसरा, लोकल कोई कंपनी या प्रोड्यूसर है उसको 100% खरीद ले, यानी उसको खरीद के अपने नाम से ही बिजनेस शुरू करे। और चौथा, किसी लोकल प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे देते हैं सामान बनाने का, और उनसे सामान खरीद के अपना लोगो या अपना स्टिकर चिपका के उसको अपने नाम से सामान बेचते हैं। ये चार तरीके। नेक्स्ट हेडिंग है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड क्या होता है और उसने कैसे मार्केट्स में इंटीग्रेट किया, एक दूसरे के साथ जोड़ा। सो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब दूसरे देशों के साथ हम इम्पोर्ट गुड्स को सेल या परचेज करते हैं, वो फॉरेन ट्रेड का पार्ट है। फॉरेन ट्रेड में दो चीजें आती हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। किस चीज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज भी ध्यान रखें कि हम कभी भी गुड्स वर्ड यूज नहीं करते अकेले, गुड्स के साथ हमेशा सर्विस वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, उसमें सर्विसेज का भी होता है। सर्विसेज का कैसे होता है हम आगे देखेंगे जब ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब क्या है कि फॉरेन ट्रेड की मदद से अब हमारी मार्केट में दूसरे देशों के गुड्स भी अवेलेबल है। जैसे कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री में जो गुड्स तैयार होते थे वही अवेलेबल होते थे, लेकिन अब दूसरे देशों के गुड्स भी अवेलेबल है। किसकी मदद से? फॉरेन ट्रेड की मदद से। क्या फायदा होता है उससे? उससे फायदा यह है कि कंज्यूमर को चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिल गई है। चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट मतलब अब प्रोडक्ट के पास बहुत से, कंज्यूमर के पास बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें से वो चूज कर सकता है कि उसे कौन सा गुड्स खरीदना है। और दूसरी चीज, जो कंज्यूमर है अब उसे वही गुड्स अलग अलग प्राइजेस पे भी मिलते हैं, सो वो कम प्राइस पे भी गुड्स खरीद सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो खिलौने जो हैं, खिलौने इंडिया में भी बनते हैं, लेकिन इंडिया में जो खिलौने बनते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनको बनाने की लागत ज्यादा है। वही खिलौने आज हमारी मार्केट में, पहले तो चाइना से नहीं आते थे, तो पहले मजबूरन लोगों को क्या करना पड़ता था, वही इंडिया के खिलौने परचेज करने पड़ते थे। अब क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉसिबल है, अब चाइना के बहुत से खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारे के सारे चाइना से ही आ रहे हैं, तो लोगों के पास बहुत सी चॉइसेस हो गई। अब तो ऐसे ऐसे खिलौने देखने को मिलते हैं जो कभी पहले देखे ही नहीं। दूसरी चीज, इंडिया में जिस प्राइस में मिल रहे थे वो टॉयज, उनसे कम प्राइस पे मिल रहे। सो फॉरेन ट्रेड से इन जो कस्टमर्स हैं उनको तो फायदा हो ही रहा है, फायदा प्रोड्यूसर्स को भी हो रहा है। प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा हो रहा है? प्रोड्यूसर्स को ये फायदा हो रहा है कि पहले उनकी प्रोडक्ट की लिमिटेड डिमांड होती थी। लिमिटेड डिमांड इसलिए होती थी कि मान लीजिए अगर सिर्फ इंडिया के अंदर ही सामान बेचना है तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है ज्यादा से ज्यादा वही सामान खरीद सकती थी, लेकिन अब क्योंकि उसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है तो पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन खरीद सकती है, तो कोई भी प्रोड्यूसर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा जिससे ज्यादा सामान बिकेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। सो फॉरेन ट्रेड ने क्या कर दिया? वर्ल्ड गेट्स ओपन कर दिया, एक तरीके से दरवाजा खोल दिया है दुनिया का, जिसके कारण दूसरे देशों की मार्केट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाई। ठीक है, और ये काम करने के लिए बहुत से रूट्स तैयार किए गए हैं, जैसे कि सिल्क रूट का आपने नाम सुना है। सिल्क रूट स्पेसिफिकली ट्रेड करने के लिए ही बनाया गया था,
तो इस किस्म से बहुत से चैनल्स तैयार किए गए, बहुत से रूट्स तैयार किए गए जिसकी मदद से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जा सके। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन है क्या? बेसिक मतलब तो हमने देख लिया ग्लोबलाइजेशन का क्या है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली तो ये है कि जो अलग अलग इकोनॉमीज हैं उनको एक ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, लोग एक दूसरे से एक दूसरे के साथ डील कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, गुड्स का लेन देन हो सके, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की जा सके। डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो डेफिनेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इंटीग्रेशन है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीजें एक्सचेंज होती हैं? ग्लोबलाइजेशन में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज होते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हमने देखा था क्या था, इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेट्स को खरीदना। टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होती है। तो अब सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो एक्सचेंज किया जाता है, जिसके कारण क्या क्या फायदे होते हैं। जनरली लोगों को बेटर इनकम मिलती है, बेटर जॉब्स मिलते हैं, बेटर एजुकेशन मिलती है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एक्सचेंज करना भी नहीं है, इसके अलावा लोग जो माइग्रेशन करते हैं, आप लोग सुनते हैं कि आप देखते हैं अधिकतर क्या करते हैं, एजुकेशन लेके दूसरे देशों में चले जाते हैं काम करने के लिए। पहले ये पॉसिबल नहीं था, या फिर एजुकेशन लेने के लिए भी दूसरे देशों में चले जाते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीजें एक्सचेंज करना नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। किस चीज की मूवमेंट? मूवमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, टेक्नोलॉजी की हो सकती है, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स की भी मूवमेंट हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति माइग्रेशन कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है एक देश से दूसरे देश में, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। अब टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे, आज के लिए हम इतने ही टॉपिक डिस्कस करेंगे।